बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेलेस्टियन, वेलकम टू सिक्स सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने जो है यूनिट नंबर 17 जियोग्राफी का ये यूनिट है। यूनिट नंबर 17 है वेदरिक एंड क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ना है। पेज नंबर आप 72 ओपन कर लें। Weather is the condition of the atmosphere for any day including the temperature. Rain clouds and rainfall, the weather can be sunny, windy, rainy and stormy one. Climate is the average condition of the weather in the place over a long period, usually 30 years. इसमें ये बता रहे जो वेदरिंग है मौसम के बारे में, कंडीशन जो हालत एटमोसफेयर आबो हवा की, एनी डे किसी भी दिन में हम देखें, इंक्लूडिंग टेम्परेचर देखें, विंड हवा बादल होते हैं, कभी बारिश हो रही होती है, कभी धूप होती है, इस तरह कभी तूफान होता है किसी, ठीक है। क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर की इन अ प्लेस, एक जगह पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यूजली 30 ईयर्स, आमतौर पर 30 ईयर्स में हम देखें तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी कॉल्ड हॉट, गर्म भी हो सकता है, सर्द भी हो, मुतदिल भी हो। और पीपल लिव, कैसे रहते हैं लोग, द काइंड्स ऑफ क्रॉप, फसलों की किस्में कैन ग्रो इन अ प्लेस जम्मू पे। पेज 73 पे देखें फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट पे जो अफेक्ट करते हैं। द मेन रीजन फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स की डिफरेंट प्लेसेस में जो टेम्परेचर होता है, इनमें अमाउंट्स ऑफ हीट रिसीव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें मुख्तलिफ जमीन के हिस्सों में मुख्तलिफ जो है अमाउंट्स ऑफ हीट की जो है वो टेम्परेचर की होती है। पेरिस में बता रहे हैं पहला जो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, प्लेसेस क्लोजर टू इक्वेटर और हॉटर, गर्म तरीन होता है जब क्लोज होता है इक्वेटर, मोर है ह्यूमिड होता है, नमी होती है देन अदर दूसरी प्लेसेस की निस्बत उमदार जमीन, आल्सो रिसीव ये मोर रेनफॉल है, बारिश रिसीव करता है, पोलर जो रुतबी रीजन है एक्सट्रीमली शदीद सर्द होता है, हार्डली एनी शाइन, कोई भी सनशाइन मतलब उसमें देखें बहुत ही कम। Distance from the sea के बारे में है कि coastal area are generally cooler than land-bound areas because the temperature of the ocean remains the same throughout the year. In summer places like Rasi or hot during the year. इसमें बता रहे जो साहली इलाका है आमतौर पर बच्चों कूलर होता है, ठंडा तक बनिस्बत जो बाउंड एरियाज है उनके, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ओशन का रिमेन्स द सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर। समर में हम देखें जो हमें जिस तरह कराची है हॉट तरीन है ड्यूरिंग द डे, पूरा दिन हम देखें हॉट, लेकिन जनरली प्लेजर खुशगवार होता है शाम, बिकॉज ऑफ द सी क्योंकि ब्रीज हवा चलती है समर। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरह हम लाहौर में देखें बाउंड होता है बाय लैंड की जमीन ऑन ऑल साइड, रिमेन्स हॉट गर्म होता है ऑल थ्रू द डे सारा दिन एंड नाइट में ड्यूरिंग द समर। इसी तरह जो है नेक्स्ट अब पेज नंबर 74 पे रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस जो टेम्परेचर होता है जगह में चेंजेस लाता है सिग्निफिकेंटली आफ्टर अ रेनफॉल, जब बारिश होती है जस्ट बिफोर द रेन, बिफोर रेन से पहले इट बिकम्स हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, नमी होती है, स्टिल बिकम्स अ प्लेजर खुशगवार होता है आफ्टर दैट जब बारिश हो जाती है उसके बाद खुशगवार होता है। प्लेजर नियर द इक्वेटर एक्सपीरियंस दिस थ्रू आउट द ईयर, ये जो इक्वेटर के करीब होते हैं ठीक है ये उनके बारे में बता रहे हैं। अब विंड डायरेक्शन है इसमें है कि इफ विंड ब्लोस फ्रॉम अ कोल्डर प्लेस, अगर विंड चलती है कोल्डर जो ठंडे जो इलाके वहां पर जगहों में, इट विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट, तो क्या करेगा उस जगह पे कूलिंग ठंडा जो है ये अफेक्ट पड़ेगा वहां इट रीच जगह पहुंचेगी। ऑन द अदर हैंड जब हम दूसरी तरफ हम देखिए इट ब्लोस फ्रॉम द हॉटर रीजन, जो हॉटर गर्म तरीके रीजन इलाके उन जगहों में टेम्परेचर जब विल राइज बढ़ेगा इन एरिया में ब्लोस टू वर्स। अब 75 पेज पे एल्टीट्यूड के बारे में कि प्लेस इट लोकेटेड अबव सी में हम लेवल में देखिए कूलर होता है देन प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस बनिस्बत जो है ऑन नियर सी लेवल जो सी लेवल के करीब होता है उस निस्बत, पाकिस्तान में पीपल ऑफन ट्रेवल टू मरी की तरफ ट्रैवल करते हैं स्वाद की तरह और दूसरे पहाड़ी जो इलाके, इस वजह से समर की हीट से बचाओ बिकॉज क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं लोकेटेड हाइट माउंटेन ऊंची पहाड़ी इलाके
जहां पर टेम्परेचर जो है लोअर। अब आप बच्चों आप अपनी नोटबुक ओपन करें, नोटबुक पे जो है मार्जिन लाइन लगा लें, डे टू डे मेंशन करें बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों जो है इसमें यूनिट 17 लिखे, चैप्टर 17 वेदर एंड क्लाइमेट हेडिंग दे, क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दे। बच्चों इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो बाकी ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर की हेडिंग दे। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर, ATMOSPHER, फॉर एनी डे इंक्लूडिंग INCLUDIN, द टेम्परेचर बेड्स क्लाउड्स, इसमें कॉमा भी डालना है, एंड रेनफॉल फुल स्टॉप। द वेदर कैन बी सनी विंडी रेनी और स्टॉर्मी इन वन डे। ये दो हमने डिफरेंस बताने थे ना, एक वेदर और दूसरा क्लाइमेट के बारे में। वेदर का मैंने आपको बता दिया, आप नीचे क्लाइमेट की है। क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन, TUNDITI, ऑफ द वेदर इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यूजुअली 30 years। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस can be called in a place over a longer period, usually USUAWNY, 30 years. The climate of a place can be called hot, cold or moderate, 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 cold storm. Aaj hai question number 2 hai, what is the temperature, the degree of heat in the atmosphere is called temperature. Next hai question number 3, what are the factors that affect the temperature of place? Answer likhe iska bachcho points mein, answer 5 points. The factors that affects the temperatures place, temperatures of place, number 1 distance from the equator, number 2 distance from the sea, number 3 rainfall, number 4 wind direction, number 5 altitude, 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 ठीक है। आप जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको करवाती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स की हेडिंग पे। नंबर 1 है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ डैश फॉर एनी डे इंक्लूडिंग द टेम्परेचर विंड्स क्लाउड्स एंड रेनफॉल, ब्लैंक में लिखे एटमोस्फेयर। नंबर 2 है, क्लाइमेट इज द डैश कंडीशन ऑफ द वेदर इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ब्लैक में लिखे एवरेज। और नंबर 3 है, हॉट एंड ह्यूमिड मलेशिया, MALAYSI, लीस LIES, लीस close to the dash, dash में लिखे equator, E क्या हो जाएगा AT4। number 4 Lahore remains hot and sunny throughout summer because of being away from, away आगे blank डालनी है, blank में लिखे from the sea। number 5 the temperature of a place changes significantly
S I G N I F I C A N T L. After dash, dash में बच्चों लिखिए rainfall. Rainfall. ये बच्चों जितनी भी blanks हैं, ये आपने अंदर जो है marker से लिखना है blank के अंदर, ठीक है? आगे MCQ की heading दे, choose the correct option. Number one, the main reason for different climates in different places is dash. Option A, temperature. B, option atmosphere. C, option weather. D, option none of these. जो right option है बच्चों temperature है, वो लिखिए. इसमें temperature है. Number two, coastal, C O A S T A L. Coastal areas are generally dash, then land. Bound areas, option A hotter, B option cooler, C option moderate, D option hottest. Right option A, option B, cooler is meaning. Number three, rainfall usually makes the weather dash. Option A humid, B option hot, C option unpleasant or D option pleasant. Right option is option D, pleasant. Number four, dash brings hot and cold weather. Option A, wind. B option rainfall. C option altitude. D option sunshine. The right option is wind. Option A. Number five, hills, stations, sand. Sorry, hill station and higher places are cooler and pleasant in dash. Option A, winter. B option, summer. C option, spring. D option, autumn. A U T U M N, autumn. ठीक है, जो right option है बच्चों इसमें option B है, summer. ये बच्चों हमारा unit number 17 कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, 3 क्वेश्चन आंसर थे इसके कंटेंट रिव्यू में और इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको करवा दिए है. ये बच्चों आपने जो है अपनी नोटबुक पे सफाई से काम करना है और इसे याद भी करना है. अपना बच्चों ख्याल रखिएगा. अल्लाह.